हरि ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मीवाहमस्मि ब्रह्मीवाहमस्मि। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथः मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यही मंत्र महिमा कार्यक्रम भव्य परिसर को आपण मानक समस्त को मु स्वागत करुची प्रणाम करुची। आमे माने एकत्रित होइचे यही मंत्र महिमा कार्यक्रम अपूर्व अगणारे जेउठी विविध मंत्र मानकर पुष्पर सौरभ आपण मानक विमोहित करुची। वस्तुतः भगवान कहउछंती जो समग्र श्रुति शास्त्र अच्छा वेदर अन्य नाम होची श्रुति। ये श्रुति होची मोर आज्ञा श्रुति स्मृति ममेव आज्ञे जस्ते उल्लंघ्य वर्तते। यदि आम वेदर आज्ञा को जो स्मृतिशास्त्र रहिला मनु प्रवृत्ति मनु याज्ञवल्क्य प्रवृत्ति महर्षि मानकर जो स्मृतिशास्त्र वेद तत्वर सरल सोपान मान जो ग्रंथरे लिखाला धर्मशास्त्र जो स्मृतिशास्त्र रही श्रुति आउ स्मृति ये हूँ मोर दुई आज्ञा श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे यस्ते उल्लंघ्य वर्तते। यदि आम से आज्ञा को उल्लंघन करवा तेबे याज्ञाच्छेदो मम द्वेषः मद्भक्तोपि न वैष्णवः। मु भावी मोर आज्ञार छेद करागला अवमानना करागला कि जे कई हेले भी से वैष्णव हेले भी से मोर भक्त कोटि को भक्त श्रेणी को आसीबो नाही। सुंदर निर्देश ये बाधूल स्मृति रे एक कथा कह जाय। तेणु वेदर बा मंत्र मानकर केते जे महिमा रहिछि आम मानकर जीवन रे प्रति पद प्रक्षेपरे मंत्रर सोपान मान। यदि आपण माने सुचक्षा ओम सुचक्षा अहम अक्षिभ्याम भूयासगुम सुवर्चा मुखेन सुश्रुतकर्णाभ्याम भूयासम जो आम हाथ सकाल उठी मुख प्रक्षालित करूँ यही मंत्रटी केवल चिंतन करेंगे। हे भगवान सुचक्षा अहम अक्षिभ्याम जहाँ देखे जहाँ शुणे भल शुणे जहाँ मोर मुख कांतियुक्त हो मु जहाँ किसी आज करे भल किसी करे युग हूँ दिव्य संदेश दिव्य निर्देश मधुमय तार मार्ग देखाई था ये मंत्र समूह गुड़िक। तेणु प्रति शब्दरे भरी रही जो अमृतत्वर सागर ये हूँ मंत्र। आम से मंत्र र महिमा को आलोचना करुचे। आम तो छार मनीष सेगुड़िक आमर स्थूल बुद्धि कहीपर ना किंतु विविध तत्वयुक्त भाष्यकार मानकर निजर ऋतंभरा ज्ञान द्वारा से मंत्र गुड़ी को जो माने व्याख्या करिछन से भाष्यकार गुड़ी को नहीं विविध भाष्य मान को नहीं आमे आपण मानकर सम्मुखरे से कथा को रखुचे। तेबे सेई क्रमरे आमे आसी पहुँचीचे भगवान देवदेव महादेव श्री रुद्रंकर संबंध जो रुद्र सूक्त रही जहाँ अन्य नाम होची नील सूक्त से सूक्तर षष्ठतम मंत्र प्रथमे मंत्रटी को पढ़ी रखिबा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम असूयस्ताम्रो अरुणौत बभ्रस्सु मंगलाः जेचैनग्गुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रसो वैशाखुं हेलाईमहे। ओम आउथरे मंत्रटी को पढ़ी रखिबा। ओम असूयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मंगलाः एचैनग्गुं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रसो वैशाखुं हेलाई महे ओम जहाँ किसी आमर मनरे अभिलाषा थाए समग्र अभिलाषा को समस्त अभिलाषा को चरितार्थ आमे करी परिबा जदि ए मंत्रटी को आराधना करिबा मंत्रर भाष्यरे निजे मनोनिवेश करी ताकु मनन करिबा तेणु मनोस्कामना परिपूर्ति रे उक्त मंत्रर विनियोग समस्त सात्विक मूलक जहाँ जहाँ कामना मान काम्यन्ते इति कामाः जो सत्व गुणयुक्त कामना गुड़िक अन्यर हिंसारे नुह अन्यर हिंसार अभिलाषा परिपूर्ति नुह अन्यर दुखरे अन्यर विरोधरे जो अभिलाषा से अभिलाषा परिपूर्ति ये मंत्र साहाय्य करिबो नाही। सात्विक प्रवृत्ति सामाजिक सुसंगठन बा सामाजिक सुप्रवृत्ति मान को नहीं जहाँ जहाँ अभिलाषा मान आम मनरे थाए से समग्र अभिलाषा गुड़िक परिपूर्ण हेब जतेबेला आमे मंत्रर मार्मिक उपदेश को मानिबा। कहले कौन ना भगवान रुद्रंकु उक्त मंत्र रे से जो आदित्य भावरे भास्पत रत्नाढ्य मौलि स्फुरधर रुचारंजितश्चारुकेशु भास्वानि यो दिव्य तेजा कर कमलजुत स्वर्ण वर्ण प्रभाभि विश्वाकाशावकाश ग्रहपति शिखरे भाति यश्चोदयाद्रौ सर्वानंद प्रदाता हरिहर नमितः पातु मां विश्वचक्षु समस्तंक प्रति जे समभाव रखन्ति सर्वानंद प्रदाता समस्तंकु आनंद प्रदान करिवार जे समर्थ हरिहर नमितः पातु मां विश्वचक्षु जहाँको हरिहर इत्यादि प्रणाम करन्ति से विश्वचक्षु सूर्यंक भावरे सवितांक रूपरे इति भगवान देवदेव महादेव श्री रुद्रंकु प्रार्थना करागला। कहले किभली से तांकर स्वरूप किभली से रुद्र एकम सद्विप्रा बहवो वदन्ति न्याय आपण माने बारंबार सुनिछन्ति अनेक देव बादर आमे उपासक हेतिला बेले आमर मुख्य बा चरम सिद्धांत होची एकबे देववाद अग्निं जमंग मातरि स्वान माहुहु जोठी आमे कहू अनेक नाम भेदरे परब्रह्म मानकर स्तुति आमे नाम भेदरे विविधता को देखुथाऊ किंतु मूलतः मूल सिद्धांतटी होची एकम सद्विप्रा बहवो वदन्ति भूतस्य जातः पतिः एकः आसीत् स एकाकी चरति तेणु एकदेव सिद्धांत को आपण माने समस्ते अंगीकार करन्ति। यही कथा को कहते भगवान सूर्य उभयो अंतरंग नास्ति आदित्यस्य शिवस्य च सूर्यंकर जो रही स्तोत्र आदित्य हृदय स्तोत्र रे ये पंक्ति उभयो अंतरंग नास्ति आदित्यस्य शिवस्य च किभली भगवान शिव होउछन्ति आदित्य तार एक स्वरूप उदय काल रे से किभली अस्त काल रे से किभली उक्त मंत्र रे बड़ा सुंदर भाव रे वैदिक महर्षिगण प्रकाश करिछन्। बहति विधि उत्तम अग्नि जो पंच महाभूतर तत्व हो अग्नितत्व ताहा मध्य भगवान शिव आउ जा हबेर जा च होत्री जो हबेर द्रव्य आउ जो मैंने होम करते ऋत्विक के मध्य से भगवान शिवंकर स्वरूप आउ जे द्वे कालंग विधत्ते इति सूर्यंक भावरे रुद्रंक कहगला जे द्वे कालंग विधत्ते दिवस आउ रात्रि उभयंकर जे विधान करते सूर्य आउ चंद्र के मध्य से भगवान रुद्रंकर अपूर्व दिव्य बपू जे द्वे कालंग विधत्ते श्रुति विषय गुणा जा स्थिता व्याप्य विश्वम श्रुति विषय गुणा कहले पृथ्वी पृथ्वी मध्य से भगवान समग्र पृथ्वी भगवान रुद्रंकर ही गोटे स्वरूप जा स्थिता व्याप्य विश्वम तापर कहले जा माहु सर्व बीजम जो समग्र बीज समग्र समस्तंकर जो मूलभूत बीज जल तत्व मध्य से महाप्रभु भगवान शिवंकर अवस्थिति प्रकृति रीति जया प्राणिन प्राणवंत अग्नितत्व अर्थात वायु तत्व अर्थात आठ गोटे तत्व रे भगवान शिव किभली प्रपूरित ही अछंती सुतराम अंतिम पंक्ति की कहले प्रत्यक्षाभि प्रपन्न तनुभिरवतु वह ताभि अष्टाभिरीशः आठोटी तत्व रे परिपूर्ण हो रही अछंती तन्मध्यनु जोड़े तत्व हला सूर्य आउ चंद्र तेणु सूर्यंकर स्वरूप रे भगवान रुद्रंकर अवस्थिति आपण माने समस्त जानन्ति आउ ताहाकु मध्य आदित्य हृदय स्तोत्र आहुरी प्रख्यापित कले उभयो रंतरंग नास्ति आदित्यस्य शिवस्य च कहले किभली से शिव होउछन्ति आदित्य ना तांकर स्वरूप को आपण माने देखंतु। कहले मंत्र मांत्रिक प्रयोग हेछि असौ जस्ताम्रो अरुण उतभ्रु असौ कहले एही भगवान रुद्र जो रुद्र असौ अने आदित्य मंडलस्थ आदित्य रूपः असौ कहले भगवान को आदित्य मंडलस्थ जो आदित्य रूप कथा कहगला से किभली से ही आदित्य रूप भगवान शिव जितेबेले उदय हुवन्ति ताम्रः तंबा गुण जिभली ताम्र गुण प्रपूरित होइथान्ति से सूर्य किभली ना शिवंकर से स्वरूप किभली तांकर उदय समय से ताम्रवर्ण उदयात ईशद अनंतरम से हूँ अरुणवर्ण तापरे उत अपि च बभ्रुवर्ण बभ्रु कहले पिंगलवर्ण जितेबेले दिवस मध्य समय अति तेजियान रूप से बभ्रुवर्ण अति दीप्तिमय वर्ण शुभ्रवर्ण सुतराम से ताम्रवर्ण को प्रकाशित करती उदय समय रे उदय अनंतरम अरुणवर्ण को प्रकाशित करते आउ जितेबले उदय अरुणवर्ण पर दीप्तिमय समयटी हूँ बभ्रुवर्ण पिंगलवर्ण सूर्यंकर यही वर्ण गुड़ी को आम मध्य प्रत्यक्ष करूँ सुतराम से कहते यही विविध समय रे भिन्न भिन्न वर्ण को अंगीकार करुथिबा भगवान रुद्र से अंततोगत्वा कौन ना सुमंगलः नाना वर्ण युक्त होई अंधकार को दूरीभूत करिवारे अत्यंत मंगल अटंती सुमंगलः तांक ठारू बळी आउ मंगलदायक केही नाहंती मंगलं मंगलं मंगलानां अर्थात समस्त मंगलमानंकर मध्ये ये होउछंती मंगलकारी सुतराम सुमंगल शब्दटी व्यवहार करागला भगवान रुद्र जहाँ को आम आदित्य रूप से उक्त मंत्र रे वैदिक महर्षि मान परिप्रकाश को अनुभव करूथाई से किभली ना अनेक वर्ण युक्त से गोटे केवल व्याघ्रचर्म आवृत्त होई भस्म विभूषित होई जगतर चरम सत्य को प्रतिपादन करूछंती तथापि से सुमंगल नाना वर्ण होई विविधता मध्य रे एकता को परिप्रकाश करी एकत्व मध्य रे विविध गुण को परिपूर्ण करी भगवान देवदेव महादेव नाना वर्ण सन जितेबाला आपण माने रुद्र अभिषेक करुछंती लिंगंक उपरे जला अभिषेक करुछंती ए भावना गुड़ को मन को आनिबे ये तो गोटे वर्ण रे आबद्ध नुहंती ये तो नाना वर्ण नाना दिव्य संकेत यांकर लिंग जो लिंग कथा कहले ना से लिंग हूँ गोटे संकेत आकाशम लिंगमित्याहुः पृथ्वी तस्य पीठिका आलयः सर्वदेवानां लयनात् लिंगमुच्यते जोठा माने तांकर से अर्थ कहूची ये समग्र आकाश अंतरिक्ष हूँ लिंग पृथ्वी हूँ तस्य पीठिका ये पृथ्वी हूँ तार स्थान आम कहू जार प्रभा आउ आलयः सर्वदेवानां जहाँटी जहाँ हूँ समस्त देवता मानकर आलय निवास स्थल लयनाथ लिंगमुच्यते देवता मानकर लय बा आम मानकर समस्तंकर लय सेठारे रहू बा रही बा हेतु तार नाम होची लिंग दिव्य संकेत से निर्वाह करि थांती अनेक गुणराजिर प्रतीक भगवान देवदेव महादेव जहाँकर रूप गुण वैभव वर्ण परिपाटी जगतर प्रत्येकटी तत्वरे प्रत्येकटी वस्तुरे परिपूर्ण होइछि ना तन्मध्ये भगवान सूर्यंक कथा आपण माने देखंतु जेभली सूर्य समस्तंक द्वारा प्रत्यक्षी हुवन्ति सामान्य व्यक्तिटी हो अथवा शास्त्रवेत्ता हुवन्तु तांकु देखि पारंती अनुभव करि पारंती भगवान देवदेव महादेव मध्य ठीक सेही भली भावरे अनुभवगम्य प्रत्यक्ष दर्शन मध्य होई पारंती सेही कथा को उक्त मंत्र रे वैदिक महर्षिगण प्रकाश करुछंती कहले किभली ना सुमंगलः कि नाना वर्ण युक्त हुई आम मानकर समस्त मंगल को नाश करी मंगल विधान करिवारे सिद्ध अटंती तेणु से सुमंगल हेले तापरे कहउछंती कौन ना जे द्वे कालंग विधत्ते जे सूर्य आउ चंद्र होई सूर्य दिवसर प्रतीक आउ रात्रिर प्रतीक होउछंती चंद्र तेणु ये दी दुई कालर जे विधान करता सी सूर्य आउ चंद्र आउ के नुहंती भगवान रुद्र तेणु इठी मंत्र रे सूर्यंकर उपासना स्थल रे रुद्रंकर जो रुद्रत्व रही महत्व रही सेगुड़ी कहगला द्वितीय पंक्ति रे कहउछंती ए चैनगुम रुद्रा अभितः से कौन रुद्रा इठी रुद्र शब्दर अर्थ कौन रही ये चैनगुम रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता इठी रुद्र शब्दटी भगवान सूर्यंकर किरणवाचक ये च रुद्रा भगवान सूर्य निजर किरण युक्त बा किरण रूपक तेज द्वारा जेभली प्राणी मानंकु पीड़ा प्रदान करिथांती सेई निजर रश्मि द्वारा भगवान शिव रुद्र निजर रश्मि द्वारा तेज द्वारा निजर कांति द्वारा प्रभा द्वारा भक्त मानकर जो माने विद्वेषी अछंती से विद्वेषी मान को मध्य सेई भली पीड़ा प्रदान करिथांती। एचैनगुम रुद्रा अभितो दिक्तुस्त्रिता सेई जो भगवान सूर्य नारायण रश्मि गुड़िक ये रुद्रा शब्द रे कहगला। से रुद्रा से रुद्र वाचक किरण गुड़िक प्राणी मान को मध्य बा प्राणी मानकर विद्वेषी मान को मध्य पीड़ा प्रदान करिथांती। तापर कहउचंती अभितो दिक्षुस्त्रिता सहस्रशो वै शागुम हेलाई महे जे सहस्र अर्थात सहस्र संख्या का भावरे असंख्य गुण को प्रकाश करी भगवान शिवंकर बा भगवान आदित्यंकर जो तेज जो रश्मि गुड़िक प्रकाशित हुए बा परिप्रकाश होता है ते सहस्र सहस्र संख्या रे परिपूर्ण होई समस्त दिग दिगंतर को विस्तार करी समग्र दिक्षु दिक्षुस्त्रिता समस्त दिग दिगंत को विस्तार करता है भगवान सूर्य नारायण कर किरण। यदि उच्च नीच ब्राह्मण चंडाला ये भेदभाव न थाए से समचक्षु से विश्वत चक्षुर तो बोले आम कहू से भली भावनार दिव्य द्योत कहू भगवान रुद्र जो भली सूर्यंकर गुणर महिमामय गुणर प्रकाशित होउची से सबु गुणर प्रतीक होउछन भगवान रुद्र। तेणु रुद्रंकर मध्य एई सब गुण गुड़िक रही अछि। कहले सहस्रशो वैशाम हेलई महे एनं अभितः अभितः दिक्षुस्त्रिता सहस्रशः अर्थात जो सहस्र संख्याक रश्मि गुड़िक सर्वतः सर्वतो भावरे रही एसाम हेलह अब इमहे यही रश्मि रूप रुद्रमानंकर समस्त रुद्रमानंकर किरण रूप रुद्रमानंकर जो हेलह हेल कहले क्रोध कोप ते कोप सदृश तीक्ष्णत्व गुड़ी को रश्मिर जमती जो रश्मि आम उपर पड़े ताहा आमको पीड़ा प्रदान करें। कठोर रश्मि जो पड़े मध्यान्ह रश्मि जो पड़े से जो तीक्ष्णत्व को ये कहगला क्रोध हेल से प्रार्थना द्वारा दिव्य वंदना द्वारा हे भगवान रुद्र मु कौन करुची मु मोर भक्ति नमस्कार प्रभृति तुमको अर्पण करी से सबुगुड़ी को से रश्मि रूपक हेल क्रोध को मु निवारण करिबा पई प्रार्थना करूअछि। से समस्त क्रोध समस्त रश्मि युक्त रश्मि रूपक क्रोध गुड़िक जो माने मोर शत्रु माने असंति कायिक वाचिक मानसिक आत्मिक बाहिक से समस्त शत्रु मानक उपरे तुम वितरण कर सिना मो ठारे नुह मोर परिवार को नुह मोर परिवेश को नुह मोर समाज को नुह ताकू छाड़ी जो माने अभक्त जो माने साधना करते ना तुम जो माने पदबंध बंदन करते ना तुम से भली व्यक्ति विशेषक ठारे तुम से तीक्ष्ण गुण विशिष्ट तेज को प्रकाश कर यही भाव में ये भगवान शिवं को देवदेव महादेव को ये आदित्य भाव में स्तुति करागला। अर्थात आदित्यंकर जो भली गुण तांकर रश्मि विच्छुरित होउची रश्मि द्वारा में प्रपीड़ित होउचे से भली रुद्रंकर जो तीक्ष्ण गुण रही क्रोध गुण रही से क्रोध गुण गुड़िका मध्य से मान को प्रपीड़ित करू जो माने तांकर उपासक मानकर शत्रु उपासक मानकर विद्वेषी। सुतराम इठी सेई भावना को मनरे रखी इठी भक्त प्रार्थना करुछंती जे मो उपरे से जो तुमरा किरणर तीक्ष्णत्व बा तीक्ष्ण सूक्ष्म धारा मो उपरे न पड़ू मत मोर उपर तुम निवारण कर ए भावना को व्यक्त करी आम समस्त मनस्कामना गुड़िक आम परिपूर्ण ये करी वैदिक महर्षि मानकर आशय। एवं मंत्रटी को आम आउ थे पढ़ी रखा ओम असौजस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुस्सु मंगलः एचैनगुम रुद्रा अभितो दिक्षुस्त्रिता सहस्रशो वैशागुम हेलाईमहे ओम। यद्यपि मंत्रगत आम शिव आउ आदित्य उभयो अंतरंग नास्ति बोली कहिले तेबे शिव पुराण अनुजाई शिवंकर जो महत्व रही कहले सी सकल आउ निष्कल शिवैको ब्रह्मरूपत्वात् निष्कलः परिकीर्तितः। जेतेबेले गोटे तत्व आमे साकारत्व देखिबा, निराकारत्व देखिबा, गोटे अव्यक्तत्व देखिबा, गोटे व्यक्तत्व देखिबा, सेतेबेले से परब्रह्मा अभिधीयते बोली कहिबा। महाप्रभु श्री जगन्नाथ ये निराकार प्रतीकवादरू से ऊर्ध्वरे विग्रह रे स्थान नाही, किंतु देखंतु पदहुंडन करुछंती, दासिया बाउरीर प्रदत्त श्रीफल को हाथ बढ़ाई खाऊंट। निराकारत्व थीबो, साकारत्व थीबो, से भाव निष्कल आ सकल। सकला कलरूपत्वाद ब्रह्म शब्दाभिधस्मृत। महाप्रभु भगवान देवदेव महादेव गोटे पक्षे सकल माने तांकर स्वरूप को आम देखा, से ध्याये नित्यं महेशम जो ध्यान रही, से ध्यान उक्त तांकर सब भस्म विलेपन शरीर त्रिनेत्र भस्म जटाजूट कपर्दिजुक्त मो मस्तक व्याघ्रचर्म परिवृत्त। आउ अन्य पक्षरे से निश्चेष्ट, से लिंग लिंगाकृति हो रही अच्छी। तेणु सकलाकल रूपत्वाद ब्रह्म शब्दाभिदः पुरः। तेणु निष्कलत्वाद निराकारम लिंगस्तस्य समागतम बिली आमर शिवपुराणर अभिमत। यही सकल और निष्कल गुण को अंगीकार करी भगवान देवदेव महादेव समस्तंकर अभिलाषा प्रपूरित करी थांती। आपण मानकर मध्य समस्त मनोस्कामना परिपूर्ण करंतु। आज आम यही बाणी को विराम दवा। परवर्ती अध्याय रे आगामी मंत्र गुडी को आलोचना रखिबा। से पर्यंत ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।